पंचायत समिति कुनिहार के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रताप सिंह को पंचायत समिति सभागार कुनिहार में उपमंडलाधिकारी अर्की केशव राम कोहली ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। आयोजित शपथ समारोह के पश्चात प्रताप सिंह ने कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है, सभी सदस्यों को साथ लेकर काम किया जाएगा, हम परिवार की तरह मिलकर काम करेंगे, विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति की बैठकों में सभी अधिकारियों का आना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष पंचायत समिति कुनिहार सोमा कौडल, पंचायत इंस्पेक्टर रतन चंद नेगी सहित अन्य पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। उपमंडलाधिकारी अर्की केशव राम कोहली ने कहा कि पंचायत समिति कुनिहार के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष प्रताप सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंचायत उपाध्यक्ष का निर्वाचन मतों के आधार पर हुआ था व उपायुक्त सोलन द्वारा उनके निर्वाचित उपाध्यक्ष की अधिसूचना जारी की गई थी। आज सर पंचायत समिति की बैठक भी थी और शपथ समारोह भी था, इस विषय में थोड़ा बताएंगे सर। आज श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी जो कि हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं दुमैर वार्ड से पंचायत समिति कुनिहार के, उनको उपाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। जैसा कि आपको विदित है कुछ समय पूर्व इनको यहाँ चुनाव में विजय प्राप्त हुई थी और ये उपाध्यक्ष चुने गए थे। इनको 14 मत प्राप्त हुए थे, दूसरे उम्मीदवार को 9 मत प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद इनका नोटिफिकेशन हुआ और केसी साहब ने इनको इस पद के लिए नोटिफिकेशन में इनका नाम आया और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था, भव्य समारोह का आयोजन यहाँ किया गया। आज मुझे पंचायत समिति उपाध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई गई। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने सम्मानीय सदस्य पंचायत समिति कुनिहार के लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अधिकारीगण, उपमंडल अधिकारी श्री केशव राम जी, पंचायत इंस्पेक्टर श्री रतन नेगी जी और अन्य ब्लॉक कुनिहार के जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरी ये इच्छा रहेगी कि ये जो मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, मैं पंचायत समिति के सभी सदस्यों को, ये सब हमारा एक परिवार है, मैं इनको साथ लेकर चलूँगा और कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक पंचायत समिति के सदस्यों का कार्य हो ताकि जो है लोग जो है हमारे ऊपर विश्वास रखें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।